हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी हम लोग आए हैं अंदर फोर्ट में और आपके लिए स्पेशल गाइड टूर, जो हमारी स्पेशलिटी है व्लॉग्स की, हमारे चैनल की, एक गाइड टूर लेके आए हैं। तो हम यहाँ पे जो तीन हवेली वो देखेंगे और जो फोर्ट है वो भी अंदर से देखेंगे। तो अभी हमने पकवान खाए, दाल पकवान, और वो बंदे को सोनम कपूर की शादी में बुलाया था, टेस्ट अच्छा था। तो अभी यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको अभी दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, वहाँ पर आप दाल पकवान खा सकते हैं। और अभी मैं गाइड साहब को मिलवाता हूँ, उनका नाम और मोबाइल नंबर है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप जैसलमेर आ रहे हो तो उनका कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो नाउ ओवर टू द गाइड। सर आपका नाम? मेरा नाम है अरुण चारण, लोकल टूरिस्ट गाइड हूँ। इस शहर का नाम है जैसलमेर, जिसके अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसलमेर का ये जो पहला पर्यटक स्थल है, अभी अपन विजिट करने जा रहे हैं, इसको वर्तमान में बोलते हैं सोनार किला, गोल्डन फोर्ट, क्योंकि हमारे इस सिटी को बोलते हैं गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी। गोल्ड यहाँ पे नहीं निकलता है, मगर यहाँ पे फोर टाइप का स्टोन फाउंड होता है। मुख्यतः जो पत्थर यहाँ निकलता है वो है ये येलो कलर का स्टोन, इसको बोलते हैं सैंड स्टोन, रेत का पत्थर। मगर ये रेत से बनता नहीं है, हजारों साल लग गए रेत को पत्थर में तब्दील होने में, और यहाँ की 99% प्रॉपर्टी इसी पत्थर से मेक की गई है। इस कारण इस शहर को बोलते हैं स्वर्ण नगरी और इस किले को वर्तमान में बोलते हैं सोनार किला, गोल्डन फोर्ट। पुराने टाइम में इसे बोलते थे त्रिकूटगढ़, त्रिभुज आकार का किला, क्योंकि ये जिस पहाड़ी पे बना है वो एक ट्रायंगल है, त्रिभुज आकार की पहाड़ी है, तो इसे ओल्ड टाइम में बोलते थे त्रिकूटगढ़। अब हमारे इस ज़िले का नाम है जैसलमेर, तो इस ज़िले का नाम जैसलमेर क्यों रखा गया, क्योंकि इस किले की नींव रखने वाले जो राजा हैं उनका नाम है महारावल जैसलदेव सिंह, किंग नेम जैसल। और संस्कृत में पहाड़ी को बोलते हैं मेरु, मेरु यानी पर्वत, नेर बोलते हैं फ्लैट को। जो किला धरातल पे बना है उसके बैक में लगता है नेर, बीकानेर, गजनेर। जो हिल पे पहाड़ी पे बना है उसके बैक में लगता है मेर, आमेर, अजमेर, जैसलमेर। तो राजा जैसल मेरु पर्वत, तो ओल्ड टाइम में इस सिटी को बोलते थे जैसल मेरु। जैसे जैसे लैंग्वेज में सुधार हुआ, जैसल मेरु से जैसल मेर हुआ। हमारे राजा जैसलदेव सिंह ने 1156 में इस किले की नींव रखी, यानी कि आज से 866 साल पहले, 866 ईयर ओल्ड। और इस पूरे किले को बनने में 700 साल लग गए। 1156 में इस किले का निर्माण का काम चालू हुआ और 1891 तक इसके निर्माण की गतिविधियां चलती रही। इस किले का जो बाहर की दीवार का परकोटा है वो है 5.1 किलोमीटर, अंदर में जो टाउनशिप है वो है 2.5 से 3 किलोमीटर। एशिया का सेकेंड नंबर फोर्ट था जैसलमेर, मगर वर्तमान में एकमात्र किला है जिसके अंदर लोग रहते हैं। पहला था चित्तौड़गढ़, जो राजस्थान का सबसे बिगेस्ट फोर्ट है, मगर चित्तौड़गढ़ को लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने खाली करवा दिया। इस किले के भीतर 4,500 लोग रहते हैं। जो लोग अंदर रहते हैं उनका होटल, घर, रेस्टोरेंट, सारा कुछ इस किले के अंदर बना हुआ है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कोई फोर्ट विजिट कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई मार्केट विजिट कर रहे हैं, क्योंकि इस किले को लोगों ने कॉमर्शियल कर दिया। 80% फोर्ट कॉमर्शियल हो चुका है। सबसे ज़्यादा अनयूज्ड लैंड, व्यर्थ भूमि यहाँ पे है, क्योंकि पानी नहीं, विदाउट वाटर, एग्रीकल्चर नथिंग, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। सिर्फ 17 व्यक्ति, ओनली 17% प्रति वर्ग किलोमीटर परसेंट का जनगणना, तो ये आज की कहानी। तो जब आज से 866 साल, 866 ईयर ओल्ड हमारे फोर्ट की फाउंडेशन रखी गई, जब लोग यहाँ रहते थे वो लोग यहाँ पे क्या करते थे, आज भी कोई काम नहीं है। तो ओल्ड टाइम में यहाँ एक सिल्क रूट चलता था मध्य एशिया, यूरोप, तुर्की, टर्की, काबुल, कंदार, अफगानिस्तान से जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, वाया सिंध, यानी कि पाकिस्तान के रास्ते से होते हुए कैमल कारावान से आते थे, ऊँटों और घोड़ों पर सामान लाद के यहाँ पे लाते थे, वो कारावान से यहाँ पे होल्ड करते थे। तो राजा उनसे टैक्स लेता था, जस्ट लाइक प्रोटेक्शन मनी, राजा की आजीविका उस टैक्स पे डिपेंड करती थी। और जब कारावान ने यहाँ पे होल्ड किया तो यहाँ पे व्यापार की गतिविधियाँ हुई, बिजनेस एक्टिविटीज़ हुई, तो बिजनेस से रिलेटेड कम्युनिटीज़ यहाँ पे आई। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये बन रही थी और इसको भी बनने में 700 साल लगे। तो राजा और प्रजा सारे इसी किले के अंदर रहते थे, जो जिस पार्ट में रह रहा था वो पार्ट किंग ने उनको दे दिया, ताम्रपत्र दिए, जस्ट लाइक रजिस्ट्री। उस ताम्रपत्र के बेस पे पीढ़ी दर पीढ़ी अंदर रह रही है। जैसे जैसे उनका फैमिली बढ़ा, प्रिजोर्ट हुआ, वो इस फोर्ट से बाहर निकला और ये टाउनशिप बस गया। मोस्टली हर किले के अंदर एंट्रेंस और एग्जिट का एक ही वे होता है सेफ्टी रीजन से, तो इस फोर्ट में भी एंट्रेंस और एग्जिट का एक ही वे है। 4 गेट बनाए गए हैं। राजस्थान में बिग एंट्रेंस डोर को बोलते हैं प्रॉल, हिंदी में बोलते हैं प्रॉल, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं पॉल। तो फर्स्ट गेट नेम अखे प्रॉल, सेकंड गेट नेम सूरज प्रॉल, थर्ड गेट नेम गणेश प्रॉल, फोर्थ एंड लास्ट गेट है विंड प्रॉल, हवा प्रॉल। इन 4 गेटों को पार करके अपन मेन फोर्ट के अंदर एंटर करेंगे।
जैसलमेर की 100 साल पुरानी, आज से 100 ईयर ओल्ड कोई भी प्रॉपर्टी आप विजिट करेंगे तो स्टोन के अलावा किसी प्रकार का रॉ मटेरियल यानी कि चूना, सीमेंट, पानी, गारा कुछ काम में नहीं लिया गया। सिर्फ स्टोन से स्टोन को कनेक्ट करके इंटरलॉकिंग सिस्टम, क्रॉस सिस्टम से ये सारे पार्ट बिल्ड किए गए। अब जो अंदर में पॉपुलेशन स्टे कर रहा है वो अपनी प्रॉपर्टी को रीन्यू कर रहा है या रिपेयर कर रहा है तो चूना सीमेंट यूज़ हो रहा है, बाकी अदरवाइज चूना सीमेंट कहीं पर यूज़ नहीं हुआ। काफ़ी सारे स्टोन आप देखेंगे वॉल के ऊपर, गोल और राउंडेड दिख रहे हैं, फुटबॉल जैसे पत्थर। ये सारे पत्थर हथियार के रूप में यूज़ होते थे, जो भी पैदल शत्रु ऊपर चढ़ता था इन पत्थरों को उनके ऊपर पुश करते थे। जैसा कि अभी आपने एक नया मूवी देखा होगा बाहुबली, उसके अंदर स्टोन थ्रो करते हैं। वो आइडिया हमारे यहाँ से चोरी करके लेके गए। ओके, ओल्ड टाइम में जैसलमेर इसी किले की चार दीवारी के भीतर था, ये जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। बट जैसे जैसे फैमिलीज बढ़ी वो बाहर गई। ओके, तो पुराने टाइम में जैसा कि सारा कुछ इसी चार दीवारी के अंदर होता था, तो पुराने टाइम में राजाओं के टाइम में कारागृह ये जेल रहती थी, या अभी इसको सिमिलर ये भी प्रेजेंट में भी मिलती जुलती जेल जैसी है, क्योंकि इसको स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया। जब तक छुट्टी की घंटी नहीं बजती बच्चे यही समझते हैं कि घर वाले कहाँ भेजा है। ओके, तो इसको अभी स्कूल में कन्वर्ट कर रखा है। अब इस किले के अंदर 2.5 साके हुए, साका जौहर, जौहर जब होता था, आप बोलते हैं ना केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, केसरिया किसको बोलते थे, केसरिया करना ये होता था कि जब युद्ध होता था, शत्रु की सेना जब हावी होती थी कि अपनी हार निश्चित है, तो एक टास्क फोर्स अंदर रहती थी किले के अंदर, जो लास्ट में केसरिया साफे पगड़ियां बांध के निकलते थे। ओके, कि या तो मार के आएंगे या मरेंगे, उनको निश्चित था कि वापस आना तो इम्पॉसिबल चीज़ है, उसको बोलते थे केसरिया करना। और जो महिलाएं जब निश्चित हो सुनिश्चित हो जाता था कि अपन युद्ध हार चुके हैं, तो महिलाएं अपने प्राणों को अपनी अग्नि को समर्पित करती थी ताकि शत्रुओं के हाथ में नहीं लगे, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए वो अपने प्राणों की आहुति देते थे। जैसा आपने सुना होगा रानी पद्मती पद्मावती का जौहर चित्तौड़ का, वो राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर था, जिसमें 25,000 महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी जौहर कुंड में। इतने ज़्यादा थे, 25,000? या सबसे बड़ा था, इसीलिए तो भंसाली को जोधपुर में पीटा, पद्मावत बनाया तो। अच्छा। ओके, आज भी वो चार स्टेट में फिल्म चालू नहीं हुई, राजस्थान, हरियाणा, तीन चार स्टेट में उसको अभी तक चालू नहीं किया गया, थिएटर में नहीं लगा वो पिक्चर, क्योंकि वो राजस्थान का सिंबल पद्मावत, जैसे महाराणा प्रताप बोल रहे थे इतना कुछ था नहीं, उसको फिर कट किया ना। जो से क्या प्रॉब्लम थी, जो तो सही दिखाया था ना उन्होंने, उसको अलाउद्दीन खिलजी की प्रेस ही बता दिया। अच्छा, अच्छा। ओके, थोड़ा नौटंकी किया तो थोड़ा नौटंकी उसके साथ भी हो गया, नो प्रॉब्लम। तो जैसलमेर 2.5 साकों के लिए फेमस है। 2.5 मीन्स 2 पूर्ण विधि विधान से अग्निकुंड में औरतों ने अपनी प्राणों की आहुति दी। एक बार एक मुगल शासक था मीर मोहम्मद, जो राजा के यहाँ शरण लेके आया था, भगोड़ा था, राजा के यहाँ शरण ली, उसको किंग पैलेस के अंदर राजाओं ने शरण दी, मगर राजा उसके लिए मेहमान नवाजी के लिए शिकार करने बाहर गए किले से, तो उसने रणावास, जिसे बोलते हैं रानियों का महल, रणावास बोलते हैं, उसने अंदर अटैक कर दिया। ओके, तो रणभैरी बजी, जो युद्ध के लिए बजती बिगुल बजता है, रणभैरी बजी, राजा वगैरह अंदर आए, उनको इतना टाइम नहीं मिला, तो यहाँ के राजाओं ने, यहाँ के सैनिकों ने अपनी पत्नियों को तलवारों से काटा। ओके, उसको आधा साका बोलते हैं, 2.5 साका। ओके, तो जैसलमेर 2.5 साकों के लिए फेमस है। ये जैसलमेर का प्रथम साका स्थल है, 1295 में महारावल मूलराज प्रथम के टाइम में ये साका हुआ। आइए, अब ये पत्थर के ऊपर कुछ स्टेचूज हैं। ओके, ये जो घोड़े के ऊपर मूर्ति है इनको बोलते हैं भौमिया जी। भौमिया मीन्स लैंड सेफ्टी, काउ सेफ्टी, और अपनी पब्लिक की सेफ्टी के लिए जो अपने प्राणों की आहुति देते थे उनको बोलते हैं भौमिया। ओके, उनका जिस डेट में डेथ हुई, जिस डेट में वो काम आए, काम आया मीन्स युद्ध में ख़त्म हो गए, उसको हम बोलते हैं काम आए, उस डेट में यहाँ पे विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। पास में लेडी की मूर्तियाँ भी रहती है, उनको बोलते हैं सतियाँ, जो इनके पीछे अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दी। तो ये जैसलमेर का प्रथम शाखा स्थल है। यहाँ पे अब ये कंस्ट्रक्शन बाद में हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं बाद में, क्योंकि 700 साल लगे हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग राजाओं ने इस फोर्ट को बिल्ड किया है। तो ये
बाद में बिल्ड हुआ है, तो यहाँ पे प्रथम शाका या जौहर जो हुआ था वो फर्स्ट यहाँ पे हुआ था। आइए,